अश्वत्थामा ने एक मरते हुए लड़के की स्वयं आकर जान बचाए। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने लेकर आ गया हूं मैं हिमांशु नाम के लड़के की भेजी हुई एक ऐसी अजीबो गरीब घटना की सच्ची कहानी जिसके ऊपर आज तक उसे विश्वास नहीं हो पाता है। एक ऐसी घटना जिसे आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये घटना सीधे सीधे अश्वत्थामा से जुड़ी हुई है। जी हाँ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ये कहानी किस तरह से अपना मोड़ लेगी जानकर आपको मजा आ जाएगा दोस्तों। तो दरअसल इस घटना की शुरुआत होती है सन 2019 से। सन 2019 में एक हिमांशु नाम का लड़का हुआ करता था खंडवा में। वो अपनी एनिमेशन की स्टडीज कंप्लीट करके इंदौर से खंडवा वापस लौटा था। दरअसल बचपन के टाइम में इसकी एक सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड टाइप लड़की हुआ करती थी। बचपन में गर्लफ्रेंड टाइप क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमें बचपन में बहुत अच्छे से पता ही नहीं होता है कि गर्लफ्रेंड क्या होता है और फ्रेंड क्या होता है। हम लोग बस फिल्में और सीरियल्स देख के सोचने लगते हैं कि यार ये लड़की हमसे बहुत ज़्यादा बात करती है, या फिर ये लड़की हमारे साथ बहुत अच्छे से खेलती है तो ये हमारी गर्लफ्रेंड हो गई और बड़े होकर हम दोनों शादी करेंगे। या तो फिर हम लोग बचपन में किसी लड़की को देख कर ये सोच सकते हैं कि ये तो मेरी बहन जैसी। ये दो ही चीज़ ज़्यादा सोच सकते हैं। जनरली कम ही बच्चे होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि ये केवल और केवल मेरी दोस्त है, गर्लफ्रेंड भी नहीं है और बहन भी नहीं है। जो बच्चे मैच्योर्ड होते हैं वो ये सोचते हैं। तो भैया ये जो हिमांशु था, हिमांशु एक लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड समझता था बचपन में। ये लड़की कहाँ रहती थी, हरदा में। खंडवा से थोड़ी दूरी पर स्थित एक हरदा नाम का शहर है, वहां पर हिमांशु के मामा का गांव था, मतलब मामा का घर था हरदा में। तो वहां पर ही मामा के मोहल्ले में ये लड़की रहा करती थी। इस लड़की का नाम हम लोग रिया रख देते हैं। तो जब कभी भी हिमांशु हरदा आता था अपने मामा के शहर में, तो यहां पर अपनी पड़ोसन मतलब मामा की पड़ोसन रिया से मिलता और उसके साथ बहुत खेलता कूदता, बहुत टाइम स्पेंड करता। बचपन की बात कर रहा हूं। जब ये बड़े हुए, अपने अपने करियर में ध्यान देने लगे, तो हिमांशु निकल गया था इंदौर। इंदौर से अपनी एनिमेशन की स्टडीज कंप्लीट करके ये खंडवा वापस लौटा था। जब ये खंडवा वापस लौटा तो हरदा में रह रही रिया ने हिमांशु को फोन किया। हिमांशु, हम लोग बहुत टाइम से मिले नहीं है, कितना टाइम हो गया तुम इंदौर गए हुए थे, अच्छे से बात भी नहीं हो पा रही थी, तुम अपनी स्टडीज में लगे हुए थे, तो क्यों ना अब तुम खंडवा आ गए हो तो आ जाओ अपने मामा के घर, मिलेंगे। हिमांशु भी कहता है चलो अच्छी बात है। अब हिमांशु मैच्योर्ड हो चुका था, प्रॉपर बड़ा हो गया था, बढ़िया अपनी गाड़ी वाड़ी थी उसकी, मतलब बाइक, बाइक से ही वो आसपास के इलाकों में ट्रैवल किया करता था। तो डिसाइड करता है कि 7 जनवरी को उसका बर्थडे है। रिया ने भी हिमांशु को फोन में यही बोली थी कि 7 जनवरी को तुम्हारा बर्थडे है तो हरदा आ जाना, यहां पर मेरा एक फ्रेंड है उसका नया नया रेस्टोरेंट खोला है, वहां पर हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो हिमांशु खुश था, काफी सालों बाद उसका बर्थडे बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया जाने वाला था। बस लेकिन वो नहीं जानता था कि इस सिचुएशन में उसके साथ किस तरह का मोड़ लेने वाली है ये जिंदगी। खैर जैसे तैसे करके बाकी के दिन बीतते हैं और आज 7 जनवरी सन 2019 का दिन आ जाता है। 7 जनवरी को ये अपनी बाइक स्टार्ट करता है और निकलता है अपने खंडवा से हरदा पहुंचने के लिए। दोपहर से शाम टच करने वाली थी, यानी कि अप्रॉक्स 4:30 बजे का टाइम हुआ था। कई बार क्या होता है कि जो जंगल वाला एरिया होता है ना, वहां पर ऐसे मौसम में फॉग थोड़ा ज्यादा जम जाता है, और केवल सुबह सुबह के वक्त या फिर रात के वक्त ही फॉग नहीं होता, हल्का हल्का फॉग पूरे दिन भर होता है। और पूरे दिन भर फॉग होने की वजह से जो सड़क थी वो क्या होती है, उनमें नमी आ जाती है। तो ऐसी एक सड़क से गुजर रहा था अपना हिमांशु खंडवा से कहां हरदा जाने के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। वो रास्ते में ही रहा होगा, उसे ट्रेवल करते हुए अप्रोक्स 1/2 घंटा ही बीता होगा। अपना खंडवा शहर छोड़ के वो थोड़ा बीच वाले जंगल वाले एरिया में आए होगा कि उसका फोन बजता है। हिमांशु अपना फोन उठाता है, फोन में दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड थी जो कि काफी ज्यादा घबराई हुई सुनाई दे रही थी। जी हाँ, उसने बोला क्या हुआ, तुम इतनी ज्यादा डरी क्यों हो। गर्लफ्रेंड क्या बोलती है, रिया क्या बोलती है कि मैं तुम्हारे बर्थडे की प्रिपरेशन के लिए अपने दोस्त के रेस्टोरेंट में आई हुई थी, लेकिन मेरा दोस्त धोखेबाज निकला, वो मुझे छेड़ रहा है, परेशान करने की कोशिश, बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ, तुम जल्दी आ जाओ प्लीज, मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, अभी मैंने अपने आप को बाथरूम में बंद कर ली हूँ,
पता नहीं मैं बाहर निकलूंगी तो वो मेरे साथ क्या करेगा। यहाँ पे आसपास कोई नहीं है क्योंकि रेस्टोरेंट थोड़ा आउटर एरिया में। प्लीज़ कैसे भी करके जल्दी आओ। हिमांशु घबरा जाता है, ये उसकी बचपन की दोस्त जैसी गर्लफ्रेंड थी। वो तुरंत अपना फ़ोन काटते हुए बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत तेज़ बाइक भगाऊंगा और जल्दी से जल्दी तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। ऐसा बोल के तुरंत फ़ोन काटता है, जेब में डालता, नॉन स्टॉप इतनी तेज़ बाइक भगाना शुरू करता है जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। बहुत तेज़ बाइक भगाता है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि सड़क में नमी हो जाती है ठंड के मौसम में, तो जहाँ से वो अभी गुजर रहा था वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा नमी थी। अचानक से सामने से काली बिल्ली रास्ता क्रॉस कर रही थी कि उसने इतनी तेज बाइक को अपना ब्रेक मारा और उसकी बाइक स्केड होते हुए बहुत बुरी तरह से, मतलब लगभग 50 मीटर तक स्लिप हुई होगी, इतनी बुरी तरह से जाके घुसी है ना एक सामने छोटे से चट्टान में जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। किस्मत ऐसी थी कि बाइक को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसका जो हेलमेट इसने पहना हुआ था, देखो किस्मत अच्छी थी कि हेलमेट पहना था, जो हेलमेट था ना वो टूट जाता है, वो बीच से क्रैक जैसा हो जाता है। इसकी जो उंगलियां थी उल्टे हाथ की, वो समझ लो लगभग 3 उंगलियां टूट ही जाती है, मतलब ऐसी, मतलब पूरी गंदी तरीके से फ्रैक्चर हो जाती है। पैर बहुत बुरा छिल जाता है, हाथ बहुत बुरा छिल जाता है, मतलब बहुत ही ख़राब कंडीशन हो जाती है। अब क्या होता है कि जैसे वो गिरा था इतनी बुरी तरीके से, तो कोई भी बेहोश हो जाएगा, तो बेहोश हो गया था। अब बेहोश होने के बाद जब वो ब्लैकआउट हुआ, उसके बाद उसे पता नहीं कि क्या हुआ, लेकिन अचानक से वो ब्लैकआउट में एक रोशनी उसे दिखाई दी। उस रोशनी को चीरते हुए एक लंबा सा आदमी, लंबे लंबे बाल वाला, जिसने एक कंबल ओढ़ा हुआ है, वो इसकी तरफ एंटर करता है। ये इसे सब कुछ दिखाई दे रहा है अभी, हाँ। इसके पास बढ़ता है, इसको हाथ देता है और उठाते हुए संस्कृत में कुछ कहता है। हिमांशु समझ नहीं पाता है। हिमांशु कहता है कि मुझे आपकी भाषा, जो आप संस्कृत कह रहे हैं, मुझे अच्छे समझ में नहीं आ पा रही है, तो क्या आप ये हिंदी में मुझे बता सकते हैं? तो सामने खड़ा हुआ आदमी जो हिमांशु को गिरा हुआ था, उठा रहा था, वो कहता है कि देखो, तुम जिस लड़की से मिलने जा रहे हो वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, उसे भूल जाओ वरना तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ छिन जाएगा। ऐसे बोलते हिमांशु को उठाया ही उसने कि जुब से हिमांशु को ऐसा फील हुआ कि इसने जोर से हिलाया और हिमांशु उठा, तो क्या पाया कि आस पास 4-5 लोग खड़े हुए हैं, 4-5 ये सब अनोन लोग हैं। वो लंबे बाल वाला आदमी पता नहीं कहाँ चले गया, लेकिन ये नॉर्मल लोग दिखाई दे रहे और ये नॉर्मल सी जगह दिखाई दे रही है। हाँ, ये ब्लैकआउट से रोशनी से आदमी ऐसा कुछ नहीं है, ये रियल वही सिचुएशन है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था अभी हिमांशु का। इनमें से एक आदमी उसे लगातार पानी डालने की कोशिश कर रहा था। अब जैसे हिमांशु की आंखें खुली, वही आदमी अपनी गाड़ी की तरफ भाग के गया। हिमांशु को धुंधला दिख रहा है, भाग के गया उसने, अपनी गाड़ी का गेट खोला, वहां से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और वहीं पर उसे बैठा के चट्टान में टिका के उसकी पट्टी करने लगा। सामने खड़ा हुआ एक आदमी एम्बुलेंस को फ़ोन करता है। हिमांशु को जैसे समझ में आता है कि एम्बुलेंस है, तो हिमांशु अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहते हैं कि एक मिनट सर, आप मत बुलवाइए एम्बुलेंस को, मैं जहाँ कहीं भी जा रहा हूँ मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना किसी को बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी मुसीबत में, सर समझने की कोशिश कीजिए। इतने में वो आदमी जो कि फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया था अपनी कार से, वो कहता है कि देखो बेटा, तुम इस हालत में अपनी बाइक नहीं चला सकते, तुम्हारी शायद उंगलियाँ फ्रैक्चर हो चुकी है, बहुत बुरी चोट आई हुई है हाथ में पैर में, हेलमेट टूट चुका है, बात मानो, क्या ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ अपनी जान से ज़्यादा। वो बोलता है नहीं सर, इम्पॉर्टेंट है, जान से भी ज़्यादा है, प्लीज़ मैं अपने आप को संभाल लूँगा, समझिए। वो उठता ही कहते हुए अपनी बाइक स्टार्ट करता है और एक हाथ, किस्मत से राइट हाथ उसका सही सलामत था थोड़ा, तो राइट हाथ से जैसे तैसे करके, इतनी दूर का रास्ता था अभी भी, वो ड्राइव करके वहाँ पर पहुँचता है अपनी गर्लफ्रेंड की बताई हुई जगह में। अब जब वहाँ पर पहुँचा तो क्या पाया, इसकी जो गर्लफ्रेंड थी ना, ये रिया जो थी ना, वो इसके साथ प्रैंक कर रही थी, उसको उसका दोस्त कोई छेड़ा ही नहीं था, उल्टा वहाँ पर बर्थडे वाली प्रिपरेशन प्रॉपर बनी हुई थी। इसने बोला ये क्या हो गया, ये तुमने क्या की? जब गर्लफ्रेंड ने देखी रिया ने कि ये कंडीशन हो चुकी है, तो उसने सब कुछ छोड़ी और उसे सिटी हॉस्पिटल में लेके गई, एडमिट करवा दी। अब एडमिट करवाई है, घर वर पे फ़ोन भी कर दी कि अंकल आंटी ऐसा ऐसा हो गया, आप आ जाइए, घर वाले भी यहाँ पर आ जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट वहाँ पर होता है, 2 दिन तक वो एडमिट रहता है क्योंकि कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, थोड़ा ऑपरेशन वगैरह, रॉड वॉड लगती उंगली में,
लगता होगा भाई अपने को मालूम नहीं। तो फिर जब ये सब कुछ हो जाता है उसका वहाँ पे हॉस्पिटल में सब कुछ ठीक, तो इसे घर वाले इसे खंडवा लेकर चले जाते हैं। अब ये खंडवा में रहने लगता है। अब इसके दोस्त लोग जो कुछ थे वो ये कहने लगे कि देख उसने तेरे साथ कितना गंदा प्रैंक की, ये चीज़ उसको नहीं करना चाहिए था, तू उसके बहकावे में आ गया था, तू उसके झूठ में आ गया था, और तू बाइक इतनी फास्ट चला रहा था, तेरे साथ ऐसा कुछ हो गया, देख कोशिश कर तू उसे भुलाने की कोशिश कर यार, वो लड़की ठीक नहीं लग रही है। खैर अभी हिमांशु अपनी लाइफ में थोड़ा सा बिजी हो गया था, और ऐसे दोस्तों के बोलने पे थोड़ी कोई अपनी गर्लफ्रेंड को भुला देता है। जो कुछ भी हुआ था हिमांशु की लाइफ में उस दिन, ये तो एक कोइंसिडेंस था, गंदा वाला कोइंसिडेंस है ना, तो अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे तो भुला नहीं सकता था। लेकिन फिर भी वो गर्लफ्रेंड से थोड़ा बातचीत करता था, थोड़ी कम कर दिया था, मिलजुल नहीं पा रहा था। अब ऐसे करते करते ठीक है एक साल बीत जाते हैं, और अब बात आ जाती है 7 जनवरी सन 2020 की। 7 जनवरी 2020 को ये लोग डिसाइड किए थे कि हम लोग कैंपिंग करने जाएंगे। हिमांशु का बर्थडे है तो सारे दोस्तों ने ये डिसाइड किए थे कि पास वाले एक पिकनिक स्पॉट में कैंपिंग करने चलते हैं। सब लोग तैयार थे, हिमांशु भी ठीक हो चुका था, सब लोग खुश थे। ये लोग कैंपिंग करने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पे जंगल में पहुँचते तो पाते हैं कि टेंट वेंट लगे हुए हैं, थोड़ी दुकानें भी है, लोगों का बढ़िया मतलब जमावड़ा भी बना हुआ है। तो इन लोगों का दोस्तों का थोड़ा सा मन होता है ड्रिंक शिंक करने का। हिमांशु से कहते हैं चल रहा है क्या, पिएगा क्या? हिमांशु बोलता है कि देखो भाई यहाँ पर इतना ज़्यादा इजी नहीं है, और ये गलत हो जाएगा, ये पब्लिक प्लेस है, लोग आए हुए हैं बाल बच्चों के साथ, तो प्रॉब्लम हो सकती है, लोग हम नहीं करेंगे। दोस्त लोग कहते हैं कि चलना भाई हमारे साथ खड़े हो जाना, हम यहाँ नहीं पिएंगे, हम लोग जंगल में जाके पिएंगे। वो लोग जंगल में चले जाते हैं, मस्त पैक शैक मारते हैं। यहाँ पर सूरज ढल चुका था और अंधेरा थोड़ा ज्यादा बढ़ चुका था। हिमांशु को ना जाने क्यों यहाँ पर जंगल में अंधेरे में खड़े खड़े अनकंफर्टेबल सा लगने लगा था। उसे पता नहीं क्यों वो दिन याद आने लगा था, से ठीक एक साल पहले का, कि एक साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था, कितना बुरा टाइम था, वो कैसा कुछ एक्सपीरियंस किया था। वो अनकंफर्टेबलनेस की वजह से ना हिमांशु ने अपने दोस्तों क्या बोला, हो गया क्या तुम्हारा, चले क्या? ठीक है अब ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं और अपने टेंट के सामने पहुँचते हैं। अब ये लोग टेंट के सामने पहुँचे, अब तक टाइम हो चुका था, 9 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। ये लोग अंदर बैठे और एक अपना लैपटॉप में मूवी लगा और मूवी देखना शुरू किए ही थे कि अंदर भी बैठे बैठे हिमांशु को थोड़ा सा ऐसा अनईजी सा फील होने लगा, और हिमांशु ने बोला कि बाहर से मैं एक सुट्टा मार के आता हूँ। हिमांशु उठा, अपने टेंट से निकला और एक सुट्टा जलाया ही है कि सामने दिखाई दिया उसे एक पीपल का पेड़। उस पीपल के पेड़ के पीछे कुछ उड़ता हुआ दिखाई दिया। इसने सोचा ये पतला सा क्या उड़ रहा है, इतने पतले सांप तो नहीं होते हैं, क्योंकि वो सांप जैसे कुछ 3-4 एक साथ ऐसे लटके हुए थे पेड़ के पीछे और वो उड़ रहे थे। जू हवा भी चल रही थी हल्की हल्की, क्योंकि ओपन एरिया था ना, पिकनिक स्पॉट था, हवा भी चल रही थी, तो वो ऐसे ऐसे हिल रहे थे सांप जैसे। तो सोचा कि ये क्या हो सकता है, उनकी तरफ बड़े ध्यान से देखने की कोशिश किया कि ये बड़ा डिफरेंट सा सांप होगा अगर सांप है तो। कि उसने ये पाया कि उस पीपल के पेड़ के पीछे, मतलब ज़्यादा दूर नहीं, वो थोड़ा आगे बढ़ गया उसकी तरफ, ज़्यादा थोड़ा बहुत पास भी नहीं लेकिन थोड़ा सा दूर था, वो ये पाया कि उस पीपल के पेड़ के पीछे कोई तो खड़ा है और सांस ले रहा है गहरी गहरी। हिमांशु ने सोचा कि इतने अंधेरे में जो लोग यहाँ पे कैंपिंग करने आए होंगे वो यहाँ पर इस तरीके से खड़ा तो नहीं होगा, तो ये है कौन? हिमांशु ने सोचा देखता हूँ। ये अपने टेंट में वापस गया, एक टॉर्च उठाया, किसी को कुछ बोला नहीं है, उसके दोस्त लोग मूवी देखने में बिजी थे, टॉर्च उठाया और वो पीपल के पेड़ की तरफ मार के देखने लगा कि क्या है, कौन है, कौन ऐसे सांस ले रहा है। अचानक से क्या पाया कि एक आदमी ऐसे पलट के देखता है। अब जैसे हिमांशु ने इस आदमी की शक्ल को देखा, हिमांशु के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि ये शक्ल वो अभी भुला नहीं पाया था। ये शक्ल उस आदमी से मिलती जुलती थी जो उस दिन सपने में हिमांशु को दिखाई दिया था, जिस दिन हिमांशु का एक्सीडेंट हुआ था आज से ठीक एक साल पहले, जो आके बोला था कि उस लड़की को छोड़ दे, वो तेरे लिए ठीक नहीं है, तेरे बड़े बड़े नुकसान हो जाएंगे उसकी वजह से। हिमांशु जैसे देखा उसको विश्वास नहीं कर पाया। वो आदमी इसकी तरफ बढ़ा और बोला कि तू अभी तक भुला नहीं पाया ना उस लड़की को, चल कोई बात नहीं, एक और तेरी भलाई के लिए बात बताता हूँ, तेरे घर के सामने एक इमली का पेड़ लगा हुआ है, उसे कटवा दे। कुछ जलन करने वाले लोग तरह तरह की विद्याओं और शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तुम्हारे घर वालों को नुकसान पहुंचाने के लिए, उस इमली के पेड़ का उपयोग करके तो उसको कटवा दे अपने घर के सामने से। इतने में हिमांशु को पीछे खड़े हुए एक दोस्त की आवाज आती है, हिमांशु। तो हिमांशु पलट के देखता है, बोलता हाँ आ रहा हूं 2 मिनट, और वापस से जब उधर पलटता है तो वो आदमी तो वहां पे खड़ा ही नहीं है, अभी था, बात किया था, अभी नहीं है।
हाँ क्या हुआ, मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ, ऐसा बोल के अपने दोस्त की तरफ बढ़ गया। दोस्त की तरफ गया, कुछ नहीं बताया किसी को, कुछ नहीं बताया। यहाँ से इन लोगों ने अपनी कैंपिंग टेंटिंग जो भी चल रही थी भाई, सब खत्म किए, घर पहुंचे और मम्मी पापा को सारी बात बता दिया, पूरा कांड। अब मम्मी ने बोली कि दो बार हो गया है, ये दिख कौन रहा है मेरे लड़के को, और वो भी 7 जनवरी के दिन। तो वो लोग एक तांत्रिक बाबा के पास गए। ये तांत्रिक बाबा कोई नॉर्मल बाबा नहीं थे इनके इलाके के। लोग कहते थे कि तांत्रिक बाबा को कुछ ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देती है जो ज्यादा अनोखी होती है। जैसे हम लोग ना हॉलीवुड की फिल्म में आजकल देखते, तो उसमें एक साइकिक वर्ड आया हुआ है, साइकिक, जिन लोगों को कुछ अलग दिखाई दे सकता है जो नॉर्मल इंसानों को नहीं दिखा देता। वो शायद बाबा साइकिक थे। तो बाबा को समझ में आ जाता है हिमांशु को देखते ही, ये हिमांशु को पिछले 2 साल से कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा दिखाई दे रहे हैं। सब लोग घबरा जाते कि अश्वत्थामा हमारे लड़के को क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्यों वो आ रहे हैं और हमारे लड़के को अलग अलग तरह की नसीहत दे रहे हैं। अब इसके पीछे का एक कारण बताता हूं, एक डीप स्टोरी, एक बिहाइंड स्टोरी, एक बैक स्टोरी है। हिमांशु कैसे नेचर का लड़का था पता है आप लोगों को, कि वो ना अश्वत्थामा की थोड़ी रिस्पेक्ट करता था। अब आप लोग बोले कि अश्वत्थामा तो निगेटिव पर्सन था ना, कौरवों के साइड में था ना, कि उसने ऐसा ऐसा कुछ किया था तो उसकी रिस्पेक्ट क्यों करता था। एक कारण था, और बहुत सारे लोग रिस्पेक्ट करते भी हैं बिल्कुल इसी तरह से, कि जो अश्वत्थामा थे, अपनी जो भी गलतियां की हैं उन्होंने, जो भी गलतियां, वो उनका सारे का प्रायश्चित कर चुके हैं अब तक जीवित रह के। भगवान कृष्ण ने उन्हें श्राप दिए थे, उस श्राप को काट के वो अपनी गलती का प्रायश्चित कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। और जब समय का अंत आ रहा होगा, कलयुग का अंत आ रहा होगा, तब वो भलाई के साथ में होंगे, बुराई के साथ में नहीं, और भगवान कल्कि का साथ देंगे। तो अब देखा जाए आज के टाइम, देखो द्वापर युग में अश्वत्थामा भले ही निगेटिव साइड में थे, लेकिन कलयुग के समय में अश्वत्थामा पूरी तरीके से पॉजिटिव है, पूरी तरीके से। इसलिए बहुत सारे लोग अश्वत्थामा की रिस्पेक्ट करते हैं। तो हिमांशु भी उनमें से एक ही था। जब कभी भी अश्वत्थामा के बारे में कोई भी गलत बात हिमांशु के सामने करता था, तो हिमांशु जरूर उन्हें टोकते थे। बस भाई ऐसा था, हिमांशु हमेशा ऐसा मन में इमेजिन करता था कि अश्वत्थामा कैसे दिखाई देते होंगे, अभी भी जीवित हैं और हमारे आसपास वाले इलाके में ही घूमते हैं। बहुत सारे लोगों ने खंडवा के आसपास के जंगलों में भी देखा है, बहुत सारे लोगों ने असीरगढ़ के आसपास भी देखा हुआ है, बुरहानपुर के पास असीरगढ़ का जो किला है वहां पे भी देखा हुआ है। तो अपना हिमांशु हमेशा ना थोड़ा सा वैसा रहता था कि यार अश्वत्थामा कैसे होंगे, मतलब थोड़ा एक पॉजिटिव साइड था, एक मतलब दिल में एक अलग कोना था अश्वत्थामा के लिए हिमांशु के। अब जब ये साइकिक बाबा ने, तांत्रिक बाबा ने अश्वत्थामा के बारे में हिमांशु को बताए थे, तो हिमांशु भी खुद विश्वास नहीं कर पाया था। और वो दिन था कि हिमांशु ने वो वाली बातों को गौर करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर वो अश्वत्थामा थे तो अश्वत्थामा ने 2 बार आके इसे ये कहे थे कि तो उस लड़की को भूल जाओ, तेरे लिए सही नहीं है। अब हिमांशु ने उन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया और वो धीरे धीरे करके उस लड़की से कटने लगा, रिया से बातचीत करना बंद कर दिया। अब बातचीत बंद किया, थोड़ा टाइम बीता, लॉकडाउन वगैरह आया, तो हिमांशु को कहीं से एक समझ लो जासूस टाइप का कोई दोस्त रहा होगा, उसकी मदद से पता चला कि जो रिया थी ना तेरी गर्लफ्रेंड, वो तुझे डिच कर रही थी। रिया का एक बॉयफ्रेंड पहले से ही था, दूसरा बॉयफ्रेंड भी था, जिसका वो रेस्टोरेंट था ना वो भी उसका बॉयफ्रेंड था, कहीं और भी था, वो सबको डिच कर रही थी, सबके साथ मजे करती थी, तुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके ही प्रैंक किया था। मतलब एक मैच्योर लड़की ना होके वो एक अजीबोगरीब निब्बी वाली हरकत कर रही थी। तो हिमांशु को समझ में आया, अरे ये मैटर था, इसलिए मेरी भलाई के लिए ही ऐसे ऐसे मुझे विजन्स आ रहे थे, शायद अश्वत्थामा ही मेरे सामने आके मुझे सतर्क कर रहे थे। जो कोई भी हो, हिमांशु उस लड़की के चुंगल से निकल गया और आज वो अपनी हैप्पी लाइफ जी रहा है। आज वो खंडवा में अच्छा खासा फेमस फोटोग्राफर है और लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। उसे ऐसा लगता है कि अगर वो लड़की अभी भी इसकी लाइफ में होती तो पता नहीं और क्या क्या हरकतें की होती, कितना बचपना था, कैसी हरकतें करती थी, कैसा डिच कर रही थी। सबसे बड़ी बात यह है, बचपना तो सह लेते हैं लोग, डिच कैसे सहेंगे, कोई सहना भी नहीं चाहिए। आज समय बीत गया है, लेकिन हिमांशु जब भी उन दिनों को याद करता है तो ऐसे ही सोचता है, अश्वत्थामा सचमुच में मेरे सामने मुझे सतर्क करने के लिए आए थे, या फिर आज मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है ये मेरे आत्मविश्वास, खुद की सोच के कारण से हुआ है, कि मेरी सोच ने, मेरे दिल ने मुझे धोखा नहीं दिया और आज मेरे साथ अच्छा अच्छा हुआ है। खैर आपको क्या लगता है, क्या रहा होगा, क्या सचमुच में अश्वत्थामा आए थे या फिर ये केवल ये अंदर की भावनाओं के कारण उसके साथ अच्छा अच्छा हुआ है?
कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। और अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाली डिफरेंट से वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आता रहता हूं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक आप लोग के पास भी तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो।